देश भर में आजकल बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की काफी चर्चा हो रही है। वहीं अब उनके छोटे भाई सौरभ उर्फ शालीन ग्राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शालीन ग्राम भी धीरेन्द्र कृष्ण की तरह छोटे बाबा के नाम से मशहूर है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक शादी समारोह में घुसकर दलित परिवार को तमंचे की नोक पर धमकाया है, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है और दलित लड़की के पिता के साथ मारपीट की है। यह पूरा मामला छतरपुर जिले के गड़ा गांव का है। यहां 11 फरवरी को एक दलित परिवार की लड़की की शादी हो रही थी, तभी तकरीबन रात 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालीग्राम वहां पहुंचा और लोगों से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शादी में बागेश्वर बाबा का छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ भी दिख रहा है, उसके हाथ में तमंचा भी था। खबरों के मुताबिक उसने नशे में महिला के साथ अभद्रता की है, जिसकी वजह से शादी में तनाव फैल गया और कई बाराती बारात छोड़कर भाग गए। इस सिलसिले में बमीठा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 और 427 और SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। कहाँ गया कल्लू? बताओ तो की ब्याह तू तुम्हारे बिटिया को बिटिया कहाँ करो ब्याह? अरे बात अटकुआ अटकुआ हाँ कहाँ हो तू शनिवार के दिन आती हाँ तू साथ ब्याह हाँ जी उसको बाबी वो बजाओ तो डीजू है जो तो उमर राय के गाना चलाते तो साल ग्राम आए महाराज अभी हमारे गाँव के अभी आए बोले कैसे धाम पे मतलब ये जस्ट अप हो तो जी गाना गंदे ना मतलब जो है चलाओ तो बंद कर दो तो हमने मतलब जो साहब बंद कर दे अब बस इतना दरबार भाव विवाद विवाद तो बता दे लोग विवाद दो तो मैं धमकी दई हमें साहब कोई ने धमकी नहीं दी साहब भाई हाथ में काले थे हाथ में साहब हमने तो अनियार तो टॉर्च लगी थी हम बताइए अब चाहे जीना भी जो कशु जुड़ला हो गए अब हम तो होते अपने काम में भी गए आदमी बता रहे पिस्टल ले थे धमकी हमकी देगा तुम्हें हमें तो साहब कछुलो नहीं गई धमकी मिले थे तुम दिन रात हम मिले थे साहब का भाई बात तुम्हारी हमारी जाई भाई थी सो बस वे कहते के चलो बंद करवा दो बस साले चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।